Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the Mighty, the Most Magnificent, the Most Merciful. Allah के पाक नाम से इस आज के सेशन का आगाज करते हैं. ये कॉफ़ी विद सीईओ होता है, आज एक कॉफ़ी विद सीईओ इनके ढेर सारे सीईओ के साथ. और ये एक सीईओ क्लब पाकिस्तान और मैनेजमेंट हमसे स्पेशल प्रोग्राम है, पिछले दो साल से चल रहा है. तो 300 के करीब सीईओ के साथ हमने इनकी एक छोटे से सेशन किए हैं. ये गपशप मॉडल में इसका मॉडल है और इसका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि पाकिस्तान के अंदर होप, इंस्पिरेशन और उम्मीद कैसे हम लेकर आ सकते हैं. क्योंकि उम्मीद के जो चराग है, हम चाहते हैं कि इस मुल्क गली गली मंदे मंदे और कस्बे कस्बे तक चले जाए. तो उसकी जो इंस्पिरेशन है, जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, कि वो लोग होते हैं जो सीईओ हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, बिजनेस पीपल हैं, बल्कि बल्कि जो डिफरेंस मेकर हैं, जो सोसाइटी में कोई माशरे में कोई तब्दीली लेके आते हैं. तो आज हमारे जो दो मेहमान हैं, जिनको आप मैनेजमेंट हाउस और सीईओ क्लब पाकिस्तान की अजीमत बने हैं, उसमें मेरे लिए बड़ा ऑनर और बड़ी अच्छा फील कर रहा हूँ. शफीक साहब हैं. शफीक साहब माशाल्लाह फाउंडर हैं, सीईओ हैं एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा और कोथम एक जो हॉस्पिटैलिटी के अंदर एक बहुत बड़ा ब्रांड है, एक नाम है, उसके ये रेजिडेंट भी हैं, फाउंडर भी. वेलकम सर शफीक साहब. और उसके साथ हमारे दोस्त हैं जो कि मेरे हर दिल अजीज और क्या कहते हैं कि हर मौसम के साथ चलने वाले दोस्त हैं, जिन्होंने लाहौर को बिल्कुल एक नया डिफरेंट टेस्ट दिया, डिफरेंट कल्चर दिया. इंग्लिश टी हाउस, यम स्पाइस बाजार, चाशनी और ये सारे ब्रांड के लोकल ब्रांड्स हैं. लोग बाहर से ब्रांड लेके फ्रेंचाइज पैसे देके गोरों को लेके इधर सिस्टम लेके आते हैं. अब पाकिस्तान से लोग इनका नाम लेने के लिए दिल करते हैं, तो हम इसको ब्रांड को बाहर लेके जाएँ. तो दैट इज़ अ प्राइज. वेलकम निसार चौधरी सर. थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया. मुझे आप दोनों के साथ बड़ी खुशी होती है. एक जो चीज़ आज का जो फिलॉसफी है, आज का जो फोकस है, वो हमारा एक स्पेशल है. क्योंकि जो हॉस्पिटैलिटी इस पेंडेमिक की वजह से ग्लोबल लेवल पर बड़ा हिट आई और लोकल लेवल पर भी हिट आई. तो इसके अंदर बहुत सारे बिजनेस है, जिसमें टूरिज्म, जिसमें ट्रैवल, जिसके अंदर एविएशन, जिसके अंदर स्कूल कॉलेजेस, एजुकेशन की बहुत ज़्यादा हिट हो, और ख़ासकर रेस्टोरेंट्स. उसके साथ साथ कुछ एरिया बिजनेस जो है वो ग्रो भी कर रही है, टेक्नोलॉजी के बिजनेस, ई कॉमर्स के बिजनेस. लेकिन जो रियल लोग सोसाइटी के अंदर जो सोशलाइजेशन होती थी, जो रेस्टोरेंट के अंदर बैठ के लोग अपना करते थे, बैठ के अपनी जो लाइफ के जो एक्सपीरियंस शेयर करते थे, वो इस वक्त लोग तरस रहे हैं. लोग उसके लिए दे आर क्रेविंग फॉर सच काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस. उसके लिए मैं शफीक साहब से सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँगा. शफीक साहब थोड़ा सा अपने बारे में मकसद ये बताएं, उन्होंने अपनी जर्नी कैसे शुरू की, गौतम कैसे बनाया, और फिर हम अपना नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे कि पेंडेमिक ने ग्लोबल लेवल पे खासकर रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को, ये टूर्स एंड ट्रेवलिज्म को ये कहाँ से कितना हिट किया. सबसे पहले आते हैं अपना शफीक साहब के पास. शफीक साहब आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि आपकी सक्सेस स्टोरी लोग सुनना चाहते हैं कि यू आर सो इंस्पिरेशन. एक छोटे से कस्बे और काड़ा से आप निकले, लाहौर आए और इतनी बड़ी एम्पायर बनाई. अवर टू यू सर. जी बहुत शुक्रिया इजाज भाई, थैंक फॉर इनवाइटिंग. बिल्कुल ये जर्नी बिल्कुल एक हम्बल बैकग्राउंड है, और फ्रॉम उकाड़ा जैसे आपने बताया. और देन आई स्टार्टेड माई स्कूल लाहौर से, जो मैंने अपना बीकॉम किया कॉलेज से. और उसके बाद जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं पाकिस्तान से बाहर अगर कुछ पढ़ लूँ तो शायद मेरे लिए कोई एक बेहतर हो सके, तो उसमें मैं पाकिस्तान से बाहर पढ़ने चला गया. पहले मैं साइप्रस गया, उसके बाद मैंने यूके से स्पेशलाइज किया हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, और वो एक पैशन बन गया. पाकिस्तान की जो सोच थी, और जब आप उस दुनिया में पढ़ते हैं, वहाँ एक पैराडाइम शिफ्ट आती है आपकी सोच में, आपके एंगल में, कि दुनिया तो बहुत बड़ी है और आप बहुत कुछ कर सकते हैं. तो वहाँ बहुत सारे लोगों ने इंस्पायर किया. उससे मैंने प्लानिंग की कि लेट्स गो बैक टू पाकिस्तान. पाकिस्तान जाके कुछ अपने लिए और पाकिस्तान के लिए करते हैं, दोनों ऑप्शन थे. 99.99% जो मेरे साथ मेरे जो क्लास फेलोज हैं, दे रिमेंड पाकिस्तान से बाहर रहे. लेकिन मुझे एक जेनेटिक में भी है पाकिस्तान से मोहब्बत, और जो इस ज़मीन के साथ हमारा जो इश्क है, कि जो कर्ज है सबसे बड़ा, कोई शक नहीं इसमें. तो वापस आए और वापस आके प्लान करना शुरू किया कि हम कोई हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, जो कि एक मिसिंग लिंक है, कि होटल्स और इंडस्ट्री है लेकिन ह्यूमन रिसोर्स तैयार करने के लिए कोई चीज़ नहीं है.
तो तब हमने को 18 साल पहले एक छोटा सा अदारा शुरू किया गुलबर्ग लाहौर से, और फिर देखते देखते वक्त के साथ साथ हमने हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल एंड टूरिज्म, एयरलाइन मैनेजमेंट, एयरपोर्ट मैनेजमेंट, हेल्थ एंड फूड सेफ्टी, कलनरी, बेकिंग, हम फिर बढ़ाते गए इस स्किल को और इस सेक्टर को। और अब हमारे 16 अदारे हैं पाकिस्तान में और एक दुबई में है, और कोई 10,000 बच्चा हमारे सिस्टम में इस वक्त पढ़ रहा है। कोई 30,000 के करीब जो बच्चे हैं वो पास आउट हो के पूरी दुनिया में, पाकिस्तान 30,000 प्लस पूरा अलुमनाई है, और पूरी दुनिया की जो इंडस्ट्री है वो यू नेम एनी कंट्री, उनकी हॉस्पिटैलिटी पे, उनमें एयरपोर्ट्स पे, उनकी एयरलाइंस में, उनके रेस्टोरेंट्स में हमारे जो पास आउट्स हैं वो काम कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के एम्बेसडर्स हैं। क्योंकि उनमें एक चीज़ पैदा करने की हमने कोशिश की कि इनमें एक नेशनलिज्म होना चाहिए, दुनिया में कहीं भी रहें ये अच्छे इंसान के साथ अच्छे पाकिस्तानी भी नज़र आएँ जब उस मुआशरे में जाके। लिखा सबसे पहले तो अच्छा इंसान नज़र आना ज़रूरी है हर बंदे के लिए रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, उसके बाद आपको फिर अच्छा अपना एक नेशनलिज्म है आपके अंदर होना चाहिए। बहरहाल हमने अपने पार्ट अपने तई ये कोशिश की कि हम जो हमारा रोल है इन ब्रिंगिंग अप पाकिस्तानी ह्यूमन रिसोर्स, और ताकि पाकिस्तानी अगर आप मिडिल ईस्ट में जाते हैं तो आपको सिर्फ ड्राइवर्स और गार्ड्स ही या कंस्ट्रक्शन वर्कर नज़र आते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमने ये शुरू किया है स्कूल, आपको मिडिल ईस्ट क्या, आपको यूरोप में भी अब हमारे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में बच्चे काम करते नज़र आते हैं विद ए स्माइल, और जो कि एक अच्छा पाकिस्तानी होने का इम्प्रेशन देते हैं जिसकी पाकिस्तान को बहुत अशद ज़रूरत है। तो पाकिस्तान का जो इमेज है इंटरनेशनली वो उसके अंदर एक ब्रेक है, उसमें एक जो है ना उसके अंदर कुछ रुकावटें हैं जो तमाम पाकिस्तानियों को कोशिश करनी चाहिए कि वो उसको दूर करें। शफीक साहब मुझे ये बताइए कि ये आपने जर्नी की, इसमें तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन जो 30,000 मैं समझता हूँ आप जैसा को तो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलना चाहिए जिस लेवल के आपने काम किया है, और मुझे खुशी इस बात की होती है क्योंकि ये जो प्रोफेशन है ये एक बच्चा जो मैट्रिक पास है ये 8वीं पास है उसको थोड़ी सी आप ट्रेनिंग दे दें तो वो भी एक रोज़गार के काबिल हो जाता है। इसके लिए एम बी ए नहीं चाहिए होता, बेटी सी डिग्रियाँ बच्चों 20 लाख रुपये के अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं बच्चे और 10,000 की जॉब नहीं मिलती, तो ये बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है। मुझे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछना कि पेंडेमिक आ गया सर और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हस्ती बस्ती जिसे कहते हैं ना एकदम कोई नज़र लग जाने वाली बात है, सबसे ज़्यादा ग्रोइंग लोग आ रहे थे, इतने खूबसूरत है, पूरा एक कल्चर ही चेंज हो गया, तो पेंडेमिक ने आके एक ऐसा हिट किया जिसकी वजह से पूरी की पूरी इंडस्ट्री इफेक्ट हुई। आप इसको ग्लोबल पर्सपेक्टिव में पेंडेमिक कोरोना के क्या इफेक्ट देखते हैं, क्या चैलेंजेस देखते हैं और क्या वे फॉरवर्ड देखते हैं इसके लिए? जी आपके क्वेश्चन से जो पहले आपने जो स्किल पे बात की उस पर मैं थोड़ा सा अर्ज करना चाहूँगा। मैं ये समझता हूँ कि जो हमने ये 18 साल में पाकिस्तान में सीखा है, हम ये समझते हैं कि जो जनरल एजुकेशन है ना जो 70 साल में हमें किसी तरफ नहीं लेके जा पाई, एमए इस्लामिया एमए उर्दू इनका क्या करना है, और इत्तेफाक से जिसने जिस चीज़ में एमए किया हुआ है उसको वो उसमें भी वो एक्सपर्ट नहीं है, वो एमए इकोनॉमिक्स हो, वो एमए इंग्लिश हो, वो एमए उर्दू हो, वो एमए फारसी हो, एमए पंजाबी हो, उसको वो भी नहीं आता। अलमिया क्या है कि हम वो जो कहते हैं ना कि वो चौहान साहब लिखा करते हैं अक्सर कि जो दौलत शाह के चूहे पैदा कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली एक ही सोच के लोग 70 साल से अब पैदा किए जा रहे हैं, और इनके लिए एग्जिट क्या है। 60% यूथ को हम बार बार जोर देते हैं, 60% यूथ है, इनको आपने कहाँ डिस्प्ले दुनिया में करना है, क्या आप इनको वही मैट्रिक फिर उसके बाद एफए फिर उसके बाद बीए फिर उसके बाद एमए फिर उसके बाद वही बैठे बैठे वो एमफिल कर लेते हैं, फिर वो बेरोजगार रहते रहते पीएचडी कर लेते हैं, और फिर पूछे तो वो कहते हैं वो स्टिल बेरोजगार, स्टिल उनके पास। अलमिया ये है कि हम हाथ से शायद काम करने को बुरा समझते हैं, जो कि कासिबुल हबीबुल्ला फरमान है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि हाथ से काम करने वाला जो है वो अल्लाह का दोस्त है। अब बात यह है कि हमें शर्म आती है, हम काम को भी छोटा बड़ा समझते हैं। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो 60% यूथ, इनको आप बजाय ये एफ ए बी एम ए करवाने के इनको आप स्किल्स की तरफ ले जाएं। दुनिया सारी का ये मॉडल है, ये कोई आप देख लें पूरे यूरोप में, आप अमेरिका में हाई स्कूल और हाई स्कूल के बाद बहुत कम लोग यूनिवर्सिटी कॉलेज की तरफ जाते हैं, बाकी आपके टीवेट सेक्टर की तरफ चले जाते हैं, वोकेशनल क्वालिफिकेशंस की तरफ चले जाते हैं। पाकिस्तान को भी कोई इसी तरह का मॉडल देना पड़ेगा, अदरवाइज आपके 100 नौकरी होगी पीएन की और 1,00,000 बंदा ऑलरेडी अप्लाई कर रहा है, 100 नौकरी 1,00,000 बंदे के वहाँ पे पेपर आए होते हैं, वो सारे एमए एमएससी होते हैं, और ये अलमिया है, और ये मज़ीद जो है ये जन्म देगा ऐसी मुश्किलात को पाकिस्तान के लिए जो हमारे लिए अच्छी नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत वक्त को
और जो सेक्टर्स हैं उनको चाहिए कि वो स्किल्स पे लोगों के जोर दें, चाहे वो किसी भी सेक्टर के स्किल्स हों। अब तो इमर्जिंग स्किल्स आ गए, अब तो ई कॉमर्स आ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो मॉडर्न बहुत कुछ है जो आ गए, इसके लिए हमें स्किल्स डेवलप करने ताकि हम अपना कम्पीट कर सकें, एग्जैक्टली वक्त के साथ चल सकें। और पेंडेमिक में शफीक साहब आपने मुझे ये बताया कि पहले क्या हिट किया पूरी ग्लोबल लेवल पे, क्या खासकर क्योंकि आप उनको रॉ मटेरियल देते हैं, आप तो ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइडर हैं, क्योंकि बिल्डिंग का नाम जो होता है ना वो कामयाबी नहीं होती, लोगों का नाम कामयाबी जो रियल एसेट है। यजमी, जो पेंडेमिक ने किस तरह से दुनिया को अफेक्ट किया, आप देखिए कि जब ये हुआन में जब चाइना से जब इसने शुरू हुई तो सबसे पहले जो दुनिया ने सोचा वो ये सोचा कि जो इससे पेंडेमिक से डील अगर करना है तो आपको एक डिसकनेक्ट क्रिएट करना है। वो डिसकनेक्ट क्रिएट किया गया कि टोटल एयरलाइन इंडस्ट्री को फेज़ वाइज उसको शट डाउन कर दिया गया, जहाज था कि उड़ने बंद हो जाए, ट्रेनें चलनी बंद हो जाए, रोड ट्रांसपोर्ट आपकी बंद हो जाए, कम्युनिकेशन आपको लिमिटेड कर दिया कि जो जहां है वो वहीं रहे। जब एयर ट्रैवल आप कट कर देते हैं तो नो डाउट एयरलाइन इंडस्ट्री और आपके एयरपोर्ट्स और उससे रिलेटेड जो एविएशन से रिलेटेड आपकी कोई भी एक्टिविटी है वो रुक जाती है। उसके बाद आपका जो टूरिज्म का जो निज़ाम है वो क्योंकि एयरलाइन इंडस्ट्री के साथ कनेक्टेड है पूरी दुनिया, क्योंकि ग्लोबल विलेज है और वो जो मूवमेंट है वो मूवमेंट स्टॉप हो गई। टूरिज्म की जब आप बात करेंगे तो फिर आप आ जाएंगे होटल इंडस्ट्री पे, आप रिजॉर्ट्स देख लें, आप हर तरह के फाइव स्टार होटल्स देख लें, उसका इम्पैक्ट आया, फिर रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पे आ गया, फास्ट फूड पे आपके आ गया, इसी तरह आपके रिटेल पे वो आपका इम्पैक्ट आ गया। तो पूरी दुनिया में सबसे पहले तो एक डिसकनेक्ट कनेक्ट हुआ जिसने जो जहाँ है वो वहीं रह गया और उसको डिस्करेज किया गया कि जी आप दूसरे मुल्कों को फ्लाई ना करें और आप जहाँ हैं वहीं रहें और आप अलहदा रहें, आप जो भी WHO ने अपनी फिर मेजर्स दी, उससे क्या हुआ कि दुनिया में बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जिनकी डिपेंडेंसी टूरिज्म पे, जिनका टोटल जिनकी साल की जो इनकम उनकी जो होती है जब बैलेंस शीट बनती है तो जो मेजर फैक्टर है वो टूरिज्म सेक्टर उनको फीड करता है। कौन से ऐसे कंट्रीज हैं? ऐसे बहुत सारे ऑफर्स करें, यहाँ ले लें आप मालदीव, ले लें आप दुबई ले लें, टूरिज्म पे सारा बेस्ड है, ऑयल नहीं उनके पास। फ्रांस की जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो इससे है, अमेरिका की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन इससे है, फिर जितने आइलैंड्स हैं पैसिफिक के अंदर वो तो सारे हैं ही टूरिज्म ड्रिवन, जितने मेडिटेरियन के आइलैंड्स हैं सारे जो हैं वो भी दे आर ड्रिवन बाय टूरिज्म। आप हमारे यहाँ आप ले लें नेपाल ले लें, आप भूटान ले लें, आप श्रीलंका ले लें, आप सिंगापुर ले लें, नो डाउट उनका शेयर और भी इकोनॉमी का हिस्सा है लेकिन टूरिज्म पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है इन तमाम मुल्कों की। बट एनीवे, अब जब पेंडेमिक ने ये सारी सिचुएशन अपसेट कर दी, अब इससे भी अब देखें आप दुनिया वापस से रिकनेक्ट होना शुरू हो गई, रिकवरी की तरफ दोबारा हम आ गए हैं। इट माइट टेक 6 more months लेकिन ये जहाज़ दोबारा उड़ना शुरू हो गए हैं, लोग ज़रूरत के ट्रैवल के लिए ट्रैवल करना शुरू हो गए हैं और होटल्स खुलना शुरू हो गए हैं दुनिया में, रेस्टोरेंट्स खुल चुके हैं बड़े कैपिटल्स, आप लंदन पेरिस आप चले जाएं रेस्टोरेंट्स खुल चुके हैं विद SOPs मेनली मास्क क्या आप मास्किंग करें आप ताकि जो है अगर आपको वो है तो आप और सैनिटाइज करें, वो जो बेसिक मेजर्स हैं वो ली गई हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग आप कर लें। और उससे ये हुआ कि ये कुछ जो पेंडेमिक कंट्रोल भी हुई है और प्लस इससे जो बिजनेसेस हैं वो रिटेल्स भी ओपन होने शुरू हो गए हैं, फ़र्ज़ करें दुबई लें तो तकरीबन तमाम मॉल्स खुल चुके हैं खुल चुके हैं और पाकिस्तान में भी स्लोली उस तरफ ये कदम बढ़ा रहे हैं कि वन बाई वन डिफरेंट सेक्टर्स को ओपन हम करते जाएं। तो मैं ये समझता हूँ कि एंड ऑफ द डे चीज़ों ने चलना है, मे बी देर इज़ अ चेंज, हाँ देर इज़ एक उसमें थोड़ी सी चेंज होगी, कुछ प्रायोरिटीज़ बदल जाएंगी और दुनिया की कनेक्टिविटी के तरीके बदल जाएंगे, लेकिन दुनिया ने आगे बढ़ना है और चलना। चॉइस साहब आपकी तरफ आते हैं, एक हमने एक शफीक साहब से एक बड़ा ग्लोबल व्यू लिया, उनकी एक शॉर्ट उनकी नर्सल स्टोरी भी सुनी, आप मुझे लोकल के बारे में बताएं कि पाकिस्तान में या रीजनल लेवल पे जैसे दुबई का इज वर्स्ट हिट इन दिस पेंडेमिक, तो पाकिस्तान में क्या रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के क्या हालात हैं इस वक्त, क्योंकि आप नब्स के बंदे हैं, आपने आपकी हालात पे नब्स पे हाथ है, तो क्या चैलेंजेस हैं रिगार्डिंग जॉबलेसनेस, रिगार्डिंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, रिगार्डिंग जो उनके जो सोशल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन में लोग चले गए,
रिगार्डिंग के री स्टार्ट कर सकेंगे कुछ लोग बिजनेसेस जिनकी ऑनरशिप नहीं है जो रेंटल पे हैं, तो क्या क्या आप मुझे चैलेंजेस बताएं और उसका वे फॉरवर्ड बताइए, ओवर टू चॉइस। जी एजाज भाई, जैसे शफीक साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि दुनिया जो है ग्लोबल विलेज है, तो ऑब्वियसली भी है कि पाकिस्तान भी ग्लोबल विलेज का एक पार्ट है। ठीक है, तो ये जो पैंडेमिक की सिचुएशन है ये तो बहुत अनफॉर्चुनेट है, कभी इंसान ने सोचा भी नहीं था कि ये सिचुएशन भी हो सकती है किसी के साथ। तो नो डाउट, क्योंकि पर्टिकुलरली आप क्वेश्चन कर रहे हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का, yes. तो मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी जो मेजर फैक्टर है हिट हुआ है वो हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म का सेक्टर बहुत ज़्यादा, क्योंकि दुनिया से एविएशन के साथ जुड़ा ना सिर्फ एविएशन के तहत, आप डोमेस्टिक लेवल पर भी देखें कि हर इंसान को बाउंड किया जा रहा है उसके घर के अंदर, यानी आप घर से बाहर ही नहीं निकल सकते। इसके जो SOPs का मेजर पार्ट क्या, सोशल जो डिस्टेंस का बेसिकली क्राइटेरिया क्या है कि आपने लोकल मूवमेंट को भी स्लो करना या मैक्सिमम लेवल, मतलब आपने जाने ही नहीं कहीं गैदरिंग्स में इसके सभी। और हॉस्पिटैलिटी, क्योंकि पर्टिकुलरली हम रेस्टोरेंट्स की जब बात करते हैं, होटल्स की बात करते हैं, तो वो तो पिछले 4 महीने से बंद है। आप देखें कि 4 महीने से एक इंडस्ट्री जो पाकिस्तान में मोस्ट बूमिंग इंडस्ट्री, तो 5 महीने होने वाले और अब 5 महीने होने वाले और स्टिल बंद है अभी, तो यू नेवर नो ना कि हाउ मच मोर टाइम इज रिक्वायर्ड। नो डाउट गवर्नमेंट के एंड पे कुछ स्टेटमेंट्स आ रही है, बट स्टिल जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आता तो कोई चीज़ क्लैरिटी में नहीं होगी। क्या पेन पॉइंट्स हैं, रियल पेन पॉइंट्स क्या हैं? रियल पेन पॉइंट, सबसे बड़ी बात मैं ये समझता हूँ कि जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है पाकिस्तान में, जैसे मैंने बताया कि लास्ट 10 ईयर्स में अगर देखें तो ये मोस्ट बूमिंग इंडस्ट्री थी, ऐसे ही अपार्ट फ्रॉम ऑल क्राइसिस, जिसमें एनर्जी क्राइसिस है, जिसमें फाइनेंशियल क्राइसिस है। आप देखिए कि हमारा बहुत सारा टेक्सटाइल सेक्टर और इससे रिलेटिंग इंडस्ट्री पाकिस्तान से मूव कर गई ड्यू टू दिस क्राइसिस, लेकिन हॉस्पिटैलिटी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री वाहिद थी जिसका साइज शायद डबल से भी ज्यादा हुआ। इट मीन कि ये मोस्ट एफिशिएंट, इफेक्टिव और कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्री थी पाकिस्तान के अंदर, बट इस सिचुएशन के बाद अनफॉर्चुनेटली ये पिछले 5 महीने से बंद है, तो उसकी वजह। और फिर सबसे ज्यादा ह्यूमन एक्सटेंसिव भी थी इसके साथ, देखेंगे कितने लोग कनेक्ट है, छोटे रेस्टोरेंट्स में भी 40-50 लोग इन्वॉल्व हैं जो फ्रंट पे काम कर रहे हैं बैक एंड पे, और हमारे जैसे सेटअप्स में तो आपको पता है कि हमारे पास 800-900 लोगों की टीम है, और इसी तरह कितने ग्रुप्स हैं पाकिस्तान के अंदर। तो सबसे पहले तो लोगों की जॉबलेसनेस आ गई, एक वो बहुत बड़ा सेगमेंट आया। दूसरा सेगमेंट था इन्वेस्टर्स का, जिसमें ऑब्वियसली रेंटल्स बाकी सारे एक्सपेंसेस हैं वो बैकलॉग में चले गए। तो मैं समझ रहा हूँ कि अगर ये ईद के बाद खुलता भी है तो 30% जो इंडस्ट्री है वो रिवाइव नहीं कर रही, ये 30% मे बी मोर देन दैट फिगर, क्योंकि कुछ लोग तो पहले क्राइसिस में थे ना पाकिस्तान में, जो डे टू डे होता है में जो पहले ही चैलेंजेस थे महंगाई के, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत हाई थी, बिजनेस के वो तो पहले ही क्राइसिस में थे, कुछ लोग ब्रेक इवन पे होंगे, तो जो ब्रेक इवन में थे जो मार्जिन वो बैडली हिट हुए, जो क्राइसिस में थे वो तो बिल्कुल ही रिवाइवल वाइप आउट हो, और जो इवन अच्छे प्लेयर थे वो सर्वाइवल में आएंगे। तो 30-35% लोग तो वाइप आउट हो जाएंगे, और इवेंचुअली जो रह जाएंगे उनके लिए भी बड़ी कंपेटिटिव चैलेंजेस है कि लोगों को दोबारा उस फ्रेज में लेके जाना, क्योंकि ये चैलेंज तो स्टिल रहेंगे ना। और अनफॉर्चुनेट ये है कि इस सारे सिनेरियो में कोई सपोर्ट भी नहीं आई गवर्नमेंट की तरफ से, कोई पैकेज नहीं आया इस पर्टिकुलरली इस इंडस्ट्री के लिए, एक सिंगल पैनी का भी कोई पैकेज नहीं आया। तो आप ये देखें कि ये सेल्फ मैनेजमेंट पे ही लोग चल रहे हैं जो भी सर्वाइवल है, तो ये ऑब्वियसली। मैंने कल एक परसों शफीक साहब एक छोटा सा सोशल मीडिया पे एक मैसेज देखा, अब सच्ची बात बताऊँ आई स्टार्टेड क्राइंग, मुझे आंखों में आंसू आ गए कि किसी ने रेस्टोरेंट का ऑनर था सर, उसका कोई 35 लाख रुपये की इन्वेंट्री थी, जिसमें चेयर्स, कुर्सियाँ, टेबल्स, कटलरी, ये सारी के सारी उसने लगाई हुई थी 1/3 प्राइस पे, थ्रो अवे प्राइस पे, कि 1 मिलियन के अंदर मैं सारा आपको देने के लिए तैयार हूँ। वो कहते हैं डे लिखी लिखे हैं एनीबॉडी कैन कम इन। तो मुझे बताएं कि आपकी अपनी एसोसिएशन जो है इस किस्म के, सरकार से तो आपकी उम्मीद रखनी कोई नहीं, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ वाला फलसफा इधर है, तो क्या एसोसिएशन भी कोई इफेक्टिव है कि इसके भी कोई अंदर जो 4 डब्बे बने हुए हैं, कोई प्रो गवर्नमेंट है, कोई प्रो आपस में तो नहीं लड़ाई हो रही? तो आपकी एसोसिएशन जो है हॉस्पिटैलिटी एसोसिएशन या रेस्टोरेंट की, वो क्या काम कर रही है, और आप उसमें क्या आपकी वॉइस है जो कि आप रेज कर रहे हैं, और इस किस्म के जेन्युइन प्लेयर्स को कैसे सर्वाइवल कोई पैकेज मिल रहा है? इसमें सब देखिए, एक तो जो एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन है वो है लॉ रेस्टोरेंट एसोसिएशन, ओके, जिसके मैं शफीक साहब, कामरान शेख साहब और महमूद अकबर साहब ये फाउंडिंग मेंबर्स हैं, हम चारों, और इसके अलावा जितने भी लीडिंग ब्रांड्स हैं पिछले 6 साल से काम कर रहे हैं लोकल और इंटरनेशनल, वो सारे हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं या मेंबर्स हैं।
और इसका क्राइटेरिया मैं सिर्फ डिफाइन कर रहा हूँ कि जितने टैक्स पेयर या रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट्स हैं वो हमारे में ओके, एक तो ये मतलब कि एसोसिएशन। अब दूसरा सिनेरियो आ जाता है कि पिछले 70 साल में, अभी भी एक बड़े सीनियर मिनिस्टर से हमारी डिस्कशन हो रही थी, तो मैंने उन्हें कहा कि आप ये देखें, जैसे मैंने शुरू में बात की कि अगर पिछले 20 साल में देखें तो पाकिस्तान के अंदर एक वाहिद इंडस्ट्री है आफ्टर टेलीकॉम और बैंकिंग सेक्टर, वो हॉस्पिटैलिटी का सेगमेंट है जिसने बहुत ग्रो किया, और उसकी ग्रोथ के पीछे कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स एम्प्लॉयमेंट, कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स टैक्सेशन, कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स एक सॉफ्ट इमेज जो पाकिस्तान का डेवलप किया इंटरनेशनल, कोई शक नहीं। ये इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन के बावजूद गवर्नमेंट की लैक ऑफ सीरियसनेस देखे कि उन्होंने अभी तक इस सेगमेंट को इंडस्ट्री का स्टेटस नहीं दिया। अब इंडस्ट्री का स्टेटस देने में मैंने कहा आप हर रोज कहते हैं कि जो लोग टैक्स नेट में नहीं आते, टैक्स नेट में लोग तभी आएंगे ना कि जब टैक्स पेयर और नॉन टैक्स पेयर के बीच में एक डिफ्रिशिएट क्रिएट हो, कि आप कहें कि ये बेनिफिट टैक्स पेयर की है, ये रिस्पेक्ट टैक्स पेयर को दी जा रही है और ये जो नॉन टैक्स पेयर है उसको ये पेनल्टीज है, तो देन पीपल विल अंडरस्टैंड, क्योंकि लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट नजर आता है ना। अब देखिए जन्नत दोजख का भी जो कॉन्सेप्ट है उसमें बंदा बुराई की तरफ क्यों जाता है, कि जन्नत सामने से नजर नहीं आ रही, जब जन्नत नजर आ जाए तो अभी तो सुनी हुई बात पे कट मरने के लिए तैयार है, तो जब जन्नत नजर आएगी तो जो पैशन है या डेस्परेशन का लेवल सर जन्नत नजर आती है ना, वो सर तीन हर साल वो तो एमनेस्टी स्कीम आ जाती है, वो तो हलाल हो जाती सब कुछ उनकी, सही बात। जब आप वो जो टैक्स पे क्यों देख के जा रहा है, वो कहेगा ठीक है मैं अगले साल एमनेस्टी में क्लियर करा लूंगा। इसको इंडस्ट्री का स्टेटस देने में और इस इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने के दो फायदे हैं। जी जी, पहला फायदा तो इंडस्ट्री को होगा। इंडस्ट्री को क्या फायदा होगा कि इंडस्ट्री को जो इंडस्ट्रियल स्टेटस की वजह से जो टैक्स रिबेट्स हैं, जो यूटिलिटी रिबेट्स हैं वो मिलेगी, जो नॉन टैक्स रजिस्टर्ड लोगों के लिए एक एग्जांपल होगी कि देखें जी मैं 1,00,000 रुपया सपोज दो नंबर तरीके से कमा रहा हूँ, तो इनको तो 1,00,000 रुपया यूटिलिटी में या बाकी चीज़ों में बेच जाता है, तो मुझे भी रजिस्टर्ड हो जाना चाहिए सो दैट कि मैं ये बेनिफिट एक सीधे तरीके से ले। तो दूसरा सबसे बड़ा बैच क्या होगा कि जब ये इंडस्ट्री रजिस्टर्ड होगी तो बाहर से इन्वेस्टमेंट बहुत आएगी, क्योंकि डॉक्यूमेंटेड है अदरवाइज तो वेग है ना हर चीज के इंडिविजुअल कंसर्न्स के तौर पे काम करेंगे। और गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा कि गवर्नमेंट के पास डॉक्यूमेंटेड रेवेन्यू आएंगे, गवर्नमेंट के पास डॉक्यूमेंटेड जो ह्यूमन रिसोर्स की टेक केयर है वो हो रही होगी, और सबसे बड़ी बात की गवर्नमेंट की टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगी। तो क्या अभी तक की लेटेस्ट आपने इतनी मीटिंग्स की हैं, और जो मैंने पिछले 5 माह में मेरा नहीं ख्याल कि हमारी एसोसिएशन में पाकिस्तान में कोई ऐसा फोरम हो जिसमें इंडस्ट्री मिनिस्टर मैं देखकर देख इंडस्ट्री मिनिस्टर फ्रॉम फेडरल सेक्रेटरी फाइनेंस फेडरल इंडस्ट्री आउटकम इज स्टिल जीरो फ्रेंकली स्पीकिंग। और पंजाब में वही जो आपको बताया कि सब जाते हैं तो सारी डिसीजन करना किसने, तो डिसीजन तो ऑब्वियसली जो जो इंडस्ट्री जो भी रीओपनिंग इंडस्ट्री की कर रही है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री नजर नहीं आ रही कि कितना बड़ा जो हमारा डिसीजन मेकिंग डिसीजन मेकिंग बड़ी पुअर है। उसकी एक रीजन ये भी है जो मैं कहूंगा अनफॉर्चुनेट है इस इंडस्ट्री के साथ, आप ये देखिए कि जितने भी दूसरी इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स हैं वो या तो असेंबली में बैठे हैं या एनसीओसी में बैठे हैं, तो वो जो लोग जैसे आप देखें शुगर इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, डेयरी इंडस्ट्री है, बाकी सारी इंडस्ट्री है, वो उनके स्टेक होल्डर किसी ना किसी शक्ल में एमएनए की सूरत में, मिनिस्टर की सूरत में, किसी ब्यूरोक्रेसी की सूरत में स्टेक होल्डर्स वहाँ बैठे हुए हैं, तो वो वहाँ क्योंकि अपनी इंडस्ट्री का बेनिफिट लेके निकल जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली रेस्टोरेंट इंडस्ट्री क्योंकि बिल्कुल ही एक डिफरेंट सेगमेंट है, हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है वहाँ पे, तो हमारी बात शायद उस लेवल पे वहाँ पे जो मिलियंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट पैदा कर रहे हैं उनकी आवाज नहीं सुनी। मैं ये आगे इसी सवाल को कैरी करता हूँ, शफीक साहब आपने मुझे बताना है क्योंकि आपका जो अदारा है बेसिकली आपने जैसे बोला ना सारी इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ, आपके बच्चे जो उनके ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको पढ़ रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं और उनको आप अपना कर रहे हैं, मुझे ये बताएं कि इस वक्त अगर डॉक्यूमेंटेड कोई ऐसा कोई डाटा है जिसमें जो इस इंडस्ट्री हॉस्पिटैलिटी पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कितने लोग बेरोजगार हुए, क्योंकि हमारी असद उमर साहब से एक सवाल किया गया कि सर पाकिस्तान में टोटल लोग कितने जॉबलेस हो गए ड्यू टू कोरोना और कोविड, सर आई डोंट हैव इन्फॉर्मेशन डेटा, हम इतने ज़्यादा मतलब पता नहीं कौन सी दुनिया चांद पे चली गई, हमें ये नहीं पता कि लोग बेरोजगार कितने हमारे सेक्टर में, तो क्या एनालिसिस है, मैं ये समझता हूँ कि हमारे सेक्टर में मिलियंस ऑफ पीपल दे आर बीइंग ओके, कुछ तो डायरेक्ट है जो आपके पास जो वेंडर्स हैं मिलियंस दे आर मिलियंस, अगर आप वेडिंग हॉल्स को रेस्टोरेंट्स होटल्स और टूरिज्म इंडस्ट्री को अगर आप कनेक्ट कर देते हैं तो इसे मिलियंस ऑफ पीपल दे आर अनएम्प्लॉयड,
और अनफॉर्चुनेटली जो गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग इतनी पुअर है, इतनी स्लो है कि अगर पेरिस जो मोस्ट हिट था वो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री खोल देता है, पाकिस्तान में क्या प्रॉब्लम है? डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम है। बैंक खुला है, बैंक में एक बंदा 500, मैं आज भी देखता हूँ पहली तारीखों में, आज भी बैंक के अंदर इन एंड आउट जो होता है वो 500 लोग एवरेज आते हैं जी। नहीं, हम एज तो बैंक खुल सकता है तो रेस्टोरेंट को नहीं खुल सकता। आप इसकी अनफॉर्चुनेट देखिए ना, जो आप बात कर रहे हैं कि रेस्टोरेंट और होटल्स के अलावा ऑलमोस्ट सारी इंडस्ट्री खुली, स्कूल तो एक चले उसमें बता के बच्चों के छुट्टियां लगती हैं, गर्मियों की छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं, 3 मंथ की छुट्टियां होती थी, 3 मंथ समय ले एक्सटेंडेड हो गए ड्यू टू दिस अनफॉर्चुनेट। ऑनलाइन उनका कुछ ना कुछ सेगमेंट थोड़ा बहुत चल रहा है, वो तो एक सेगमेंट डिफरेंट है, और शायद स्कूल इस लेवल पे हिट भी नहीं है। एजुकेशन डिस्टर्ब जरूर है, बट फाइनेंशियल कॉलेज यूनिवर्सिटीज जो है वो जा रही है उनको, तो वो स्कूल एज ए बिजनेस हिट नहीं है, एज एजुकेशन सेगमेंट में आप समझ सकते हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। बट ऑन द अदर एंड अगर आप देखा जाए कि जो सबसे ज्यादा SOPs इंप्लीमेंट कर सकती है वो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है और होटल इंडस्ट्री है। अदरवाइज आप देखें जितना रिटेल सेगमेंट है, जितना हमारा मार्केट का सेगमेंट है, वहाँ तो SOPs इंप्लीमेंट हो ही नहीं सकते। आप शालमी में चले जाए, आप अनारकली जाए चले जाए या दूसरी मार्केट्स में, हमारे जो रेस्टोरेंट्स हैं वो वैसे भी ए कैटेगरी के रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे प्री डिफाइंड बुकिंग के साथ लोग आते हैं, कि पहले से बुकिंग होती है, डेजिग्नेटिंग सिटिंग प्लान्स होगा, तो वहाँ पे जो SOPs हैं WHO के और हमारे NCO के वो 100% इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। अच्छा, कराची में सर एक उन्होंने जो सैयद मुराद अली शाह साहब से डिस्कशन हुआ तो उन्होंने ये बोला कि हमने रेस्टोरेंट्स को अलाउ किया है टेक अवे और वो जो होता है इनका जो होता है ऑर्डर जो होते हैं ना जी डिलीवरी आप हम कर सकते हैं तो टेक अवे या होम डिलीवरी, तो आप उसमें ये बताएं कि क्या ये सर आप पहले बताएं कि क्या ये बिजनेस आइडिया के तौर पर फिजिबल है कि किसी रेस्टोरेंट को सिर्फ टेक अवे पे जो डाइनिंग के लिए स्पेशलाइज बना है ठीक है तो वो टेक अवे और होम डिलीवरी पे वो सर्वाइव कर सकता है फाइनेंशियली? जिस सेक्टर की हम बात कर रहे हैं जो फाइन डाइनिंग के रेस्टोरेंट्स हैं या जहाँ पर डाइनिंग होता है वहाँ पर वो उस तरह से डिलीवरी पे तो वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता। वो तो लॉजिक देते हैं जी, हमने तो ओपन कर दी। टेक अवे डिलीवरी पे वो तो बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर सकता। एक्जेक्टली मैं आपकी बात को सेकंड करूंगा कि आपने कहा कि असद उमर से किसी ने पूछा कि कितने लोग अनएम्प्लॉयड हुए और ही सेड कि आई डोंट नो। सेम सिनेरियो विद दिस सेगमेंट, उसकी रीजन है कि इसको सीरियस लिया ही नहीं गया फ्रॉम लास्ट 70 ईयर्स। आप ये देखें कि सबसे पहले किसी भी इंडस्ट्री को गेज करने के लिए आप उसके कल्चर और नॉर्म्स को देखते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है दिस इज ओनली एंटरटेनमेंट बिजनेस फॉर फैमिलीज और जो आपकी यूथ है, इसके अलावा तो हमारे पास कोई नहीं ना। तो जब पाकिस्तान का कल्चर ये है फैमिली गेट टुगेदर और उनकी जो एंटरटेनमेंट है वो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, तो इट मीन की जो 90-95% इंडस्ट्री है वो डाइनिंग बेस्ड बनी हुई है, एक्सपीरियंस बेस्ड। तो जो एक्सपीरियंस बेस्ड रेस्टोरेंट्स होते हैं उनकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी उनकी इन्वायरमेंट बेस्ड होती है अपार्ट फ्रॉम फूड। तो जब फूड जबकि टेक अवे और जो डिलीवरी वाले सेगमेंट होते हैं लाइक मल्टीनेशनल चेन जैसे KFC मैकडोनल्ड और अदर फास्ट फूड चेन्स हैं उनकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी होती ही टेक अवे बेस्ड है। तो आप ये देखें कि क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट ही डाइनिंग वाला तो उसका आप मैक्सिमम 5-10% अचीव कर सकते हैं और किसी भी बिजनेस का सर्वाइवल तो 80% प्लस बिजनेस होगा तो वो सर्वाइव करेगा ना या प्रॉफिट कमाएगा, तो 10% बिजनेस में तो आप और लॉस में चले जाते हैं। तो ये भी एक अनफॉर्चुनेट है कि हमारी गवर्नमेंट ये समझ रही है कि ये रेस्टोरेंट खुले हैं जैसे मुराद अली शाह। हाँ, सिचुएशन क्या होगी, हमारे साथ जुल्म क्या होगा कि एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव समझ रहा है कि ये जो बिजनेस है ये काम कर रहा है जबकि रियलिटी वो बिजनेस और लूज कर रहा है 10% बिजनेस करके, क्योंकि वो जो लैंडलॉर्ड है वो भी कह रहा है कि आपका तो चल रहा है क्योंकि चीफ मिनिस्टर कह रहा है या प्राइम मिनिस्टर कह रहा है तो आप रेंटल दें, वापडा वाले बिल ठोक के भेज रहे हैं, इम्प्लॉई कह रहा है कि मुझे सैलरी पूरी दे। तो आप ये देखें कि वो बेचारा और क्राइसिस में चला गया टेक अवे डिलीवरी को, और मेजॉरिटी लेबर घर पे बैठी है ना, जो जो डाइनिंग का जो डाइनिंग का एक्सपीरियंस। आपके इसी सवाल से एक के ये अलमिया नहीं है कि असद उमर को ये ना पता हो जो इस मुल्क के का वारस है इस वक्त जो प्लानिंग कमीशन को हेड कर रहा है उसको ये ना पता हो कि अनएम्प्लॉयड लोग कितने इस मुल्क में और वो किस हाल में हैं। जिस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है वो कहता है मुझे बहुत फिक्र है लोग मर जाएंगे भूख से अगर मैंने ये स्मार्ट लॉकडाउन कर रहा हूँ, तो उसके और जो उसके टूरिज्म वाला है जो मेरा सेक्टर है उसके मिनिस्टर से सवाल पूछा जाता है कि जी कोई ऐसी टूरिज्म डेस्टिनेशन बताएं पाकिस्तान में जो देखी जानी चाहिए, और वो सोचने के बाद कहता है कि मुझे टाइम चाहिए
फिर आपको बताऊंगा मैं। जुल्फी बुखारी साहब टूरिज्म डिपार्टमेंट ही बंद कर दिया सर, ये सबसे बड़ा जो पीडीडीसी टूरिज्म डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इतना जबरदस्त अदारा था, 400-500 उसके एम्प्लॉइज थे, कचांगा मांगा जैसी रिजॉर्ट्स बनाई, इतना जबरदस्त उन्होंने काम किया पंजाब में, वो ही बंद हो गया। सर मुझे क्वेश्चन कि ये तो हो गया ना, गवर्नमेंट को हम जितना रो लेंगे सारी बात है कि हम कोशिश तो कर सकते हैं उनको आवाज पहुंचा सकें, सजेशन दे सकें। मेरा एक और भी क्वेश्चन है, ये जो लोग आपने बोला ये अब ह्यूमन साइड पे आते हैं, सरकार ने तो कुछ नहीं किया, डन हो गया, ठीक है, ऊपर अब अल्लाह रह गया या आप लोग रह गए, एसोसिएशन ने जो आपकी 5-6 साल से स्ट्रक्चर, क्योंकि वो बॉडी होती है उसमें 10-20 अच्छे जो टैक्स पेयर लोग हैं और आप जैसे लोग जो उसको ड्राइव कर रहे हैं, उन लोगों ने कोई अपने स्टाफ के लिए जो ले ऑफ हुए या घर बैठे हुए उनके सर्वाइवल के लिए क्या ऑफर किया? व्हाट इज योर CSR ऑफ यू पीपल, जिनके जिन्होंने अच्छे दिन भी देखे थे अब मुश्किल दिनों में, उन लोगों को जो बेचारे घरों में सफर कर रहे हैं, जो मांग भी नहीं सकते, जो सड़क पर खड़े होकर जिनको राशन भी कोई नहीं देता, उनकी इज्जत नफ्स भी कायम रहनी चाहिए, क्या हो रहा है उनके लिए? अल्हम्दुलिल्लाह एजाज भाई, ये क्योंकि मैं समझता हूँ कि जितने भी अच्छे ग्रुप्स हैं जी जी और इंक्लूडिंग आर और पर्टिकुलरली मैं अपनी क्योंकि बात करूँगा, तो हमने अपने मैक्सिमम स्टाफ को रिटेन किया। मतलब आपने नहीं उनको, उसकी दो रीजन है ना, एक तो ऑब्वियसली CSR की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए बिजनेसमैन, एज ए सिटीजन और एज ए ह्यूमन रिसोर्स, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि इन लोगों में हमने 10-10 साल की इन्वेस्टमेंट्स की है, ठीक, ये फील्ड ऐसी है, ये लकीली मैं अप्रिशिएट करूंगा शफीक साहब को कि जिन्होंने मोस्ट कॉम्प्लेक्स फील्ड है पाकिस्तान में जिसमें हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन का तो कल्चर ही नहीं था ऐसे 10-15 साल पहले, तो इन्होंने वो कल्चर बिल्ड किया, तो अब हमें थोड़े पढ़े लिखे लोग मिलना शुरू हुए, ट्रेंड लोग मिले अदरवाइज, और आज भी क्योंकि लोगों का हालांकि लोग अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे जनरल एजुकेशन वर्सेज प्रोफेशनल एजुकेशन, के जनरल एजुकेशन इज लीडिंग टूवर्ड्स फ्रस्ट्रेशन और जॉबलेसनेस जो बात आपने शुरू में की, और जो स्किल एजुकेशन है वो पर्टिकुलरली अगर हॉस्पिटैलिटी की हम बात करें तो हमें ट्रेंड लोग ही नहीं मिलते पढ़े लिखे, हम 24 घंटे शॉर्टेज है विद ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स, और ये अदारे बना के बैठे हुए हैं और लोग वहाँ अगर नहीं जा रहे, जो कि वो मैट्रिक वाला बंदा 6 महीने का 3 महीने का कोर्स करके स्ट्रेट अवे जॉब ले सकते हैं, यानी जिसमें गारंटी जॉब है, और जो अच्छे लेवल पे है ये इंटरनेशनली भी उनको सेटल कर रहे हैं दुबई के अंदर और दूसरे मुल्कों में भी ये उनको भेज रहे हैं, वाइस वर्सा हमने क्योंकि 10 साल इन्वेस्टमेंट की है कि रॉ हैंडेड लोग उनको ट्रेंड किया तो, और इवेंचुअली तो खुलना है ना, तो जब खुलेगा तो अगर वो ट्रेंड लोग ही नहीं होंगे तो हम तो फिर बैक टू जीरो पे चले जाएंगे, तो हमारी मजबूरी भी थी कि उनको रिटेन करना क्वालिटी, तो ये जो और फिर आपको पता है कि ये इट्स लाइक मैकेनिक, आपने उसे एफिशिएंट रखने, तो ये जो टेक विल डिलीवरी का कॉन्सेप्ट था उसका एक पर्पज ये था कि वो लोग अपडेटेड रहे, ठीक, बता कि अपनी जॉब में डे टू डे जॉब का शेफ है जो पूरी और अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्योंकि सारे लोगों को आप फिर आउटलेट पे बुला भी नहीं सकते थे ड्यू टू ये जो SOPs हैं, तो जो लोग घरों में भी थे हमने उनको भी सैलरीज दी, नो डाउट उसकी कुछ परसेंटेज हमने कम की, बट हम अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने मैक्सिमम लोगों को टिल डेट हमने कॉम्पनसेट किया और इंशाल्लाह। शफीक साहब आप बताइए कि नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट कि जो वे फॉरवर्ड में आप बाउंस बैक क्या देखते हैं इंडस्ट्री का, यानी कि आपने कहा 6 महीने का टाइम लाएंगे रिकवरी का, उसके बाद जैसे जैसे ग्लोबल फ्रांस में और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में दुबई में अब वो एक वक्त था कि वो आप बगैर टाइम लिए बाहर नहीं जा सकते थे, आपने अगर 15 मिनट की ग्रोसरी भी लेनी है आपको पहले अलाउ टिकट लेना पड़ता था, तो अब आपने वो लेवल पे ग्लोबल और रीजनल लेवल पे लोकल लेवल पे भी जब इंडस्ट्री रिवाइव होगी रिकवरी में आएगी 6 महीने, तो क्या आप इसका बाउंस बैक देखते हैं कि कितना कि ये मार्जिन पे रहेंगे या वाकई ये कोई प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाएंगे, क्या इनका बिजनेस मॉडल होगा और इसमें टेक्नोलॉजी का क्या रोल होगा, क्योंकि डिजिटलाइजेशन भी एक बहुत बड़ा, कई लोगों ने जो ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर दिया था पहले ही अपना एक मोबाइल एप्लीकेशन बना ली तो वो तो कुछ सेफ रहे, जिन्होंने मजबूरन अब इस लेवल पे आके काम किया, तो डिजिटल इस बिजनेस को कैसे लेके आगे जाएगी, व्हाट इज द सिल्वर लाइनिंग ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ दिस इंडस्ट्री? मैं समझता हूँ कि जो कोरोना से पहले की बात थी वो वाली तो फौरन नहीं होगी, ठीक है, 6 महीने तक तो बिल्कुल नहीं होगी, वो आप एविएशन इंडस्ट्री ले लें, एयर ट्रैवल ले लें, एक जो फियर है वो रहेगा, उसके बाद होटल इंडस्ट्री की जो ऑक्यूपेंसी है वो उसमें चैलेंज रहेगा आपको, और इवन जो रेस्टोरेंट्स की जो ऑक्यूपेंसी है या जो कह लें आप नंबर ऑफ कवर्स करते हैं उसको भी चैलेंज होगा, ठीक, और जो ऑनलाइन बिजनेसेस हैं फूड में आप डिलीवरी की बात कर रहे हैं या आप टेक अवे की बात कर रहे हैं वो उसमें चलता रहेगा, क्योंकि जब ओवरऑल एविएशन इंडस्ट्री इंटरनेशनली काम नहीं कर रही होगी तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ़ ट्रैवल कम होंगे आपके पास,
उसी तरह नंबर ऑफ गेस्ट एट होटल्स आपके कम हो जाएंगे, उसी तरह आपके रिटेल सेक्टर हिट होगा, आपके जो शॉपिंग एरियाज हैं वो उस तरह से आबाद नहीं होंगे जिस तरह से ये कोरोना से पहले थे। तो ये चैलेंज रहेगा और इसमें ये डिपेंड करेगा, जैसे पाकिस्तान जैसा मुल्क है वो डिपेंडेंट नहीं था इंटरनेशनल टूरिज्म पे, क्योंकि इंटरनेशनल हमारे पास लोग हाइकिंग के लिए आते थे और नो डाउट सोशल मीडिया ने काफ़ी पाकिस्तान डेस्टिनेशंस को प्रमोट किया जिसमें उम्मीद थी कि इस साल पाकिस्तान में इंटरनेशनल टूरिस्ट आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन वो जो दरमियान में कोरोना की वजह से अब वो अफेक्ट हो जाएगी सारा। और अगर हम विद इन पाकिस्तान टूरिज़म को मैनेज कर लें, जो अभी तक हम उस पर कोई फाइनल नहीं कर सके कि टूरिज़्म सेक्टर को पाकिस्तान में कब खोलना है, अभी इस पर भी डिसीजन नहीं हुआ। आपके जो जो आपके वैलीज हैं, आपके जो माउंटेन एरियाज़ हैं, आप सवात ले लें, कालाम ले लें, सवा अपना हुंजा ले लें, गिलगत, सवात, नारान, कागान, या आपकी गलियात आ गई मरी नथिया गली, ये भी अभी होटल्स खाली पड़े, और इसमें गवर्नमेंट को एज सून एज कोई ना कोई पॉलिसी बना के, और चाहे वो ऑनलाइन बुकिंग, क्योंकि उनका तो टोटल डिपेंडेंसी 4 महीनों पे होती है, और आगे सर्दी आगे सर्दी आ रही है अक्टूबर में, फिर वो एरियाज दोबारा बंद हो जाने, तो अगर आप उनको ईद के फौरन बाद भी नहीं खोलते तो दे विल सफर। अगर 20-25 दिन भी अगर उनको विंडो मिल जाए एग्जैक्टली सर्वाइव करने, तो जो हाँ अगर ये उनको 2 महीने भी मिल जाए अगस्त फर्स्ट वीक के बाद अगर ये खोल देते हैं तो उनको अगस्त और सेप्टेम्बर और कुछ शायद हफ्ता 2 हफ्ते आपको अक्टूबर के मिल जाएँ, तो मेरा ख्याल है कि चलें वो सर्वाइव कर जाएंगे एटलीस्ट, और नहीं तो अदरवाइज उनकी इकोनॉमी, उनकी टोटल डिपेंडेंसी आप पे है। जब तक लाहौर कराची फैसलाबाद सियालकोट का जब पैसेंजर जो ट्रेवलर है वो इन पहाड़ों पे नहीं जाएगा, उनकी इकोनॉमी नहीं चलेगी, दे विल नॉट बी एबल टू रन। इंडस्ट्री भी नहीं है, हाँ उधर को और कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई मुतबादल उनके पास नहीं है, और गवर्नमेंट हमारी तो यहाँ नहीं पहुंची, लाहौर नहीं पहुंची या कराची में नहीं पहुंची, तो पहाड़ों में कैसे पहुंचेगी? सर मैं तो उनके अपने चैलेंज, मैं तो समझता हूं गवर्नमेंट है ही कोई नहीं सर। हाँ बस सेल्फ सेल्फ रन पे गवर्नेंस का इतना सीरियस इशू है, उसी तरफ आ रहा हूँ अब ये हॉस्पिटल इंडस्ट्री के ऊपर, क्योंकि सबसे बिगेस्ट चैलेंज कहते हैं मर्दम शुमारी करोगे तो 22 करोड़ मिलेंगे, मर्दम शनासी करोगे 22 मिलेंगे, ये क्या रिजाल है सर, लीडरशिप का कहत है। हमने बहुत कल से एक दुआ चल रही है जो कि मेरा ख्याल है बड़ा डर लगता है दुआ मांगते हुए भी, अल्लाह वाला हमारी हिफाजत फरमा हिफाजत करने वालों से, तो वो एक डर लग रहा है। और पहले हमारी हुकूमत जो थी, ये मतीउल्लाह जान का एक जुमला है बड़ा प्यारा हमारा दोस्त है, वो कहता था कि पहले हुकूमत जो थी ना वो मुलाजम रखती थी, हम मुलाजम हुकूमत रखते हैं। बात तो ठीक है, ये बताइए किसी सर्वाइव करने के लिए सरकार को, तो हम इसलिए कह नहीं सकते कि वो हम दिल खोल के हम उसको बुराइयां कर सकते हैं उसकी, अब अपनी मदद आपके थे, एक लीडरशिप का क्या होगा, एक आप सीईओ भी हैं, सीईओ लीडर होता है, आप भी लीडर हैं, आप भी क्राइसिस जब आता है पैसों का है चाहे ह्यूमन रिसोर्स का है चाहे घर में, तो कौन सी ऐसी काबिलियत है या कॉम्पिटेंस है किसी सीईओ के अंदर या एंटरप्रेन्योर के अंदर या बिजनेस लीडर के अंदर जो कि उस क्राइसिस से बाहर निकलने में उसको वो स्ट्रेटजी और वो एबिलिटी वो स्किल्स दरकार है कि क्राइसिस को मैनेज करना सीखना और ओवरकम करना सीखना, वो दो दिन क्या खूबियाँ होनी चाहिए किसी लीडर के अंदर? देखिए बड़ी अच्छी बात की है जाज भाई आपने, क्राइसिस इंसान की लाइफ में आता है, प्रोफेशनल जब आप लीडरशिप की बात कर रहे हैं तो मैं तो पर्सनली समझता हूँ कि क्राइसिस आपके लिए अपॉर्चुनिटीज भी होती है। ट्रू, बात कर रहे थे चाइनीज में क्राइसिस का जो अगर का मतलब पढ़े ना जी, उसका मतलब है अपॉर्चुनिटी। उसकी रीजन है कि जो भी अप्रोच है ना ये माइंड सेट है, ठीक, अब माइंड को अगर पॉजिटिव चीजों पर ट्यून करेंगे तो आपको चीजें अपॉर्चुनिटीज के तौर पे नजर आएंगी और आप उसमें अचीवमेंट भी शुरू कर देंगे, और नेगेटिव कर लेंगे तो फिर आपको हर्डल्स नजर आनी शुरू हो जाएंगे। तो इस पैंडेमिक में भी आप देखें कि आपने, जैसे मैंने कहा कि हमने कोशिश की कि मैक्सिमम लोगों को इंटैक्ट रखें, तो हमने देखा कि चीज़ों को बेहतर मैनेजमेंट करने का एक अपॉर्चुनिटी वो भी आई कि अगर क्राइसिस आता तो चीज़ों को एफिशिएंट कैसे करना है, फिर टेक्नोलॉजी का रोल आ गया कि अगर हम किस पार्ट पे टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर रहे थे अब हम टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स को एक मैसेज गया कि इस क्राइसिस में भी इन लोगों ने हमें एक्टिव रखा है, हमारा सर्वाइवल को इंश्योर किया है, ऑब्वियसली इससे आपकी जो टीम की लॉयलिटी है वो बिल्ड होती है, और फ्यूचर तो अनलिमिटेड है ना, ये तो ऑब्वियसली जैसे कंट्रीज हैं और कंपनीज जो है वो भी तो लाइक कंट्रीज है ना, तो ऑब्वियसली इसको ओवरकम करने के लिए यही चैलेंज है कि आपने उसे बड़े दिल के साथ एक्सेप्ट करना है और फिर उसमें से पॉजिटिव चीज़ों को लेकर आगे चलना और लोगों को मोटिवेटेड रखना टूवर्ड्स योर गोल। मतलब ये तो, सर व्हाट इज योर टेक ऑन दिस लीडरशिप इन क्राइसिस, क्या
खूबियां चौधरी साहब ने उस पर बात कर दी है, कोई शक नहीं उसमें। मैं क्योंकि अपने स्कूल्स के हवाले से बात कर सकता हूँ कि नो डाउट जब क्राइसिस आए, जब चैलेंजेस आए हैं जी जी, तो हमने कनेक्ट रखने की कोशिश की है, अपने सिस्टम को इंटैक्ट रखने की कोशिश की है, अपनी फैकल्टी को, अपने स्टूडेंट्स को, और इंडस्ट्री तो क्योंकि बंद है, और जो हम अपने सिस्टम्स को ऑनलाइन ले गए, हमने क्या कि हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी यूज़ करके लोगों को हमने कनेक्टेड रखा। उसमें हमने कोशिश की कि जो एक जो बच्चों का एक टाइम है जो स्टूडेंट्स का, वो भी ज़ाया ना हो, और जो 6 महीने तकरीबन बनते हैं जो सारा सिस्टम जो जब से ये हुआ है, उसमें उससे बड़ा फ़ायदा हुआ कि जो बच्चे हैं वो भी फ्रस्ट्रेशन में नहीं गए, जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, और टेक्नोलॉजी ने उन्हें कनेक्टेड रखा, और हम ये समझते हैं उनके जो 6 महीने ज़िंदगी के उनके वो भी सेव हुए, और जैसे ही चीज़ें ओपन अप होंगी जो उनके प्रैक्टिकल पार्ट हैं उनको भी कनेक्ट कर लिया जाएगा। वक्त ज़ाया नहीं हमने होने दिया उनका, और हमने कोशिश की कि हम उसको मैनेज किए रखें उनके साथ। सर एक और चीज़ आप इसी से फाइनेंशियल बात होगी, पेंडेमिक की बात होगी, एक इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा एक सेंस ऑफ डिस्पोंडेंसी है, यानी कि फ्रस्ट्रेशन है, होपलेसनेस। आगे लोग, आपने तो उम्मीद है ना कि 6 महीने बाद रिवाइव हो जाए, लोगों को वो भी उम्मीद नहीं है। लोग जो बहुत ज़्यादा बेचारे, जिनके बिजनेस हिट हुए, कुछ वो भी जो पैसे डबल कमा रहे हैं, जिनके छिक्के भी लग रहे हैं, फार्मास्यूटिकल वालों के, ग्रोसरी वालों के, सैनिटाइजर बेचने वाले 2 नंबर, मास्क जिन्होंने 20,000 का जो इंजेक्शन था वो 5-5 लाख में बेचा है, प्लाज्मा जिन्होंने अपने कोरोना जान, कोई लोग तो कोरोना डर रहे थे, कोई कोरोना करवा रहे थे कि मुझे कोरोना हो जाए ताकि 5 लाख का प्लाज्मा बेच दूं, मैं ठीक कर लूं। और ये बड़ी एक क्राइसिस अपॉर्चुनिटी है, एंड इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव। मुझे ये बताइए कि जब मुश्किल आ जाती है, जब आपके 70% जो हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स आ रहे हैं वो पैनिक के हैं, वो फियर के, वो टेंशन के, डिप्रेशन के, चाहे वो उनका कन्वर्ट हो जाए, किसी का हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है, किसी का शुगर का हो रहा है, उस स्ट्रेस से, उस एंगर से, उस फ्रस्ट्रेशन से बचने की क्या 3 स्ट्रेटजीज बताते हैं कि जहाँ साहब ये करें, तो मैं खुद भी ये करता हूँ क्योंकि आप भी तो माशाल्लाह फेस कर रहे हैं ना, 70% 30% माइनर पैसों का स्ट्रेस हो, अदर जो लोगों को देख के होता है ना, अपने लोगों को, उनका भी स्ट्रेस होता है क्योंकि आप इंसान हैं, ठीक है बात, हाउ टू मैनेज इट। अच्छा मैं पर्सनली एजाज भाई, इसके 2 पार्ट हैं जी जी। एक तो हम अगर पाकिस्तान की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने बताया और आप जानते हैं कि हमारा जो एजुकेशन सेक्टर है या हमारा जो सोशल सेटअप है उसमें नेगेटिव को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, ठीक है, और वो इस लेवल पे हमें फीड कर दिया गया है, छोटे बच्चे से शुरू होती है फ्रस्ट्रेशन ये नेगेटिव डिस्कशन की, कि वो उसी के साथ ग्रो करते हैं। आप इसी पाकिस्तान में अगर पॉजिटिव चीज़ें दिखाना शुरू करें तो यू हैव मैनी रोल मॉडल्स, मैं, आप, शफीक साहब, ये सारे रोल मॉडल्स हैं ना। हम बड़े बातें करते हैं कि जी हम्बल बैकग्राउंड से आए, तो आज देखिए हम कितने बड़े अंपायर चला रहे हैं, तो ये भी तो इसी पाकिस्तान में हो ना, विद ऑल ड्यू क्राइसिस। तो हम तीनों में या हमारी तरह के बहुत सारे लोगों में और वो जो दूसरे साइड के लोगों में पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या था कि हमें उन क्राइसिस में अपॉर्चुनिटीज नज़र आ रही थी क्योंकि माइंड पॉजिटिव किया हुआ था, और उन्हें उन क्राइसिस में फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही थी और वो और फ्रस्ट्रेशन की तरफ चली गई। तो पहले तो हमने ये डिफाइन करना है कि हमें एज ए नेशन ये रियलाइज करवा दिए कि कॉम्प्लेक्स में डाल दिया, क्योंकि कोई उसका जो मीडिया देखो ना, चैनल देखो तो बाकी बंदा डिप्रेशन में चला जाता है। मैं वही कह रहा हूँ कि वो बेसिकली मीडिया क्या है, वो भी हम ही लोग हैं ना, यही सोशल सर्कल है ना, कि जो डिस्कशन हो रही है वो मीडिया में भी नजर आ रही है, वो हम इंडिविजुअल लेवल पे भी डिस्कस कर रहे हैं, बाकी चीज़ों पर भी कर रहे हैं। मैं वही बता रहा हूँ कि जब हम अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे हैं, सक्सेस स्टोरीज की बात कर रहे हैं, तो अगर आप स्पोर्ट्स में देखेंगे तो वी हैव लीडिंग प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, अगर आप एजुकेशन में देखते हैं तो वी हैव लीडिंग इवन साइंटिस्ट और एजुकेशनिस्ट थ्रू आउट इन द वर्ल्ड। आप अपने यंगर जनरेशन को देखें, अपने बच्चों को देखें, जैसे ये बच्ची की बात हो रही है तो शी इज स्टडिंग इन लंदन, मेरा तो कंपेटिटिव एजुकेशन है ना पूरी दुनिया की। तो एक ये फेज भी है पाकिस्तान का और एक वो फेज है जिसकी हम डिस्कस करते हैं। बट मैं ये समझता हूँ कि फ्रस्ट्रेशन से निकलने के लिए जो स्ट्रेस की आपने बात की कि सबसे पहले तो आपने माइंड को पॉजिटिव रखें, तो इवन क्राइसिस में भी और नेगेटिव अपॉर्चुनिटी में भी, क्योंकि ये तो आपके ऊपर है ना, जो सोच और उस पर एक्ट करने का जो इख्तियार है वो अल्लाह ताला ने आपको दिया, एक तो वो सेगमेंटाइज है, दूसरी आप अपनी चीज़ों को कैटेगराइज करें, किसी चीज़ को हैवी ना होने दें। बहुत से लोग हैं वो वर्कहोलिक हो जाते हैं, यानी काम में पड़े तो फैमिली को इग्नोर कर दिया, दोस्तों को इग्नोर कर दिया, और इवेंचुअली वो पैसा कमा लेते होंगे, थोड़ा स्टेटस ले लेते होंगे, बट उसके लेने के बाद वो जो टाइम उन्होंने वेस्ट कर दिया वो फ्रस्ट्रेशन में चला गया, तो वो अगेन दे आर हैविंग एवरीथिंग विच दे वांटेड
बट इवेंचुअली जो एक इंसान को चाहिए था वो उसके पास नहीं है, तो वो दैट्स लीडिंग टू वर्ड्स फ्रस्ट्रेशन। एक तो वो है ना जो बेचारे फेलियर्स है। खुशी आप देखें, कभी एक जो सिक्योरिटी गार्ड है वो मस्ट बी अर्निंग अराउंड 15,000 इन अ मंथ, अगर आप देखें तो वो शायद एक नॉर्मल सा खाना खा रहा होगा, तो आप कभी पूछे कि यार क्या खा रहे, तो कहेगा अल्लाह का शुक्र है, तो अल्लाह का शुक्र है, तो ही इज़ हैप्पी विद दैट 15,000 और इवन लेसर अमाउंट। और दूसरी तरफ अगर आप किसी बंदे से बात करें कि वो 15,000 में एक टाइम का खाना खा रहा है, और वो कहेगा अल्लाह बहुत बुरे। तो ये जो माइंड है ना, एक तो इसका बहुत बड़ा क्राइटेरिया। दूसरा टाइम की डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे मैंने बात की कि काम काम में अपने जो काम के टाइमिंग्स हैं उसको प्रोडक्टिव करें। ये डिपेंड नहीं करता कि आपने दिन में 18 घंटे काम किया या 8 घंटे काम किया, आप ये देखें कि आपने प्रोडक्टिव कितने घंटे लगाए। तो जब प्रोडक्टिव घंटे होंगे तो फिर जो गोरों ने एक्चुअल कल्चर बनाया कि 8 घंटे में इंसान हर वो चीज़ अचीव कर सकता है जो अल्लाह ने उसके लिए बनाई है, तो इट मीन वो सकता है, लेकिन डिपेंडेंसी ये है कि वो अपने 8 घंटे पूरे लगाए। सर इसी तरह फैमिली, तो फैमिली को पूरा टाइम दे, ऑब्वियसली वो भी एक ब्लेसिंग है आपके लिए। सही बात। उनको जब टाइम देते हैं तो आपकी वो फ्रस्ट्रेशन भी कम होती है, और फिर बाकी चीजें जो आपकी। सर आजकल तो क्या कहते हैं ना, घर में पैंडेमिक की वजह से बैठ बैठ के तो घर वाले और घर वाली भी बड़ी तंग आई हुई है, और वो कहते वो कार कहाँ बाहर कहाँ, क्योंकि पहले तो लोग बाहर जाते थे अच्छा, काम करते थे, तो वो इसलिए वो घर से थोड़ा सा जो होता ना फासला होता था, तो वो एक उसकी अट्रैक्शन होती थी। अब हर वक्त आप एक बार घर में आए दूसरे को देखें। आपको पता है रिसर्च क्या थी, वायलेंस फैमिली डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ा है, डिवोर्सेस बढ़ी हैं, लड़ाइयां झगड़े बढ़े हैं, बहुत ज्यादा इश्यूज भी हुए हैं इसके, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी बढ़ा हुआ है। लेकिन मैं ऑब्वियसली ये क्राइसिस भी रही है, लेकिन घर में लड़ाई तो नहीं। लेकिन मैं उधर ही आ रहा हूँ, मैं फ्रेंकली स्पीकिंग मैं पर्सनली समझता हूँ कि मैं बड़ा ब्लेस्ड आदमी इस मामले में, कि जो हमारे सबसे ज्यादा क्राइसिस के दिन थे फर्स्ट 15 डेज, जो 22 मार्च को लॉकडाउन शुरू हुआ और ऑलमोस्ट 10 अप्रैल तक, ये तो वो था कि जिसमें कंप्लीट लॉकडाउन था, हर बंदा अपने घर में था, और वो मेरे लिए बेस्ट टाइम था कि मेरी बुड्ढी वैसे भी खुश होती है मैं घर जाऊँ, तो हमारी घर इन चीज़ों की वजह से लड़ाई नहीं होती, अगर कोई होती भी होगी तो मेरा उसमें रोल ज़्यादा होता होगा। इसी तरह बच्चों के साथ, बल्कि वो मैंने बताया कि एक नई अपॉर्चुनिटी निकली कि आपको वही अगेन पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं, बॉन्डिंग के अलावा आपने देखा कि ये अल्लाह ने जो आपको नेमत दी है ये भी एक अपॉर्चुनिटी है कि आप इसको एंजॉय कर सकते हैं कि नहीं। आपने उसी घर के अंदर बच्चों के साथ टेनिस खेल रहे हैं, बच्चों के साथ स्विमिंग कर रहे हैं, बच्चों के साथ मूवीज देख रहे हैं, ये रूटीन लाइफ में तो आपको ये चीजें नहीं मिलती ना, तो आपने ये देखा कि यार घर भी ये जो लोग हैं ये तो ब्लेसिंग है बेसिकली, अदरवाइज तो इंसान अकेला हो तो क्या बने। सही कह रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी सेम क्वेश्चन के आपको जब फ्रस्ट्रेशन आती है, गुस्सा आता है, और जो हालात आपके इर्द गिर्द भी होते हैं, आपकी जात को फिर आपके लोगों को गुस्सा आता है, वो आप उतारते हैं, आप उनके उतार, तो इसको कैसे मैनेज करें, कुछ रास की बात बताएं। गिद्दड़ सिंह जी आपके पास सर, बंदा इस वक्त ना सर तपा हुआ है सर। हाँ सही बात है आपकी, जो डिपेंड करता है कौन किस रोल में है, कोई किसी डिसीजन मेकिंग के रोल में है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं, कोई ऐसे रोल में है जिस पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या सच नहीं है, उसकी अपनी ही जिम्मेदारी है। मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले जी जी तो शुक्र है ना वो अपने पास रखें। आप जिस हाल में भी हैं ना, अगर आप इस पेंडेमिक में इस हालात में अगर आप जिंदा हैं, वो जो जैकमा ने कहा है ना, अगर आपका प्रॉफिट इस साल आपका प्रॉफिट यही है कि आप जिंदा हैं, ठीक है, मैं यहाँ ये कहता हूँ कि आप ये शुक्र करें कि आप जिंदा हैं, नंबर वन। नंबर दो, अपने आने वाले दिनों की केयर करें, आप अपने आप को बचा के रखें, और शुक्र जो है ना उसको अपने हाथ से ना जाने दें। इजाज़ भाई, एटीट्यूड, जो आप जो एच ओई साहब के कॉलम की बात आप कर रहे हैं ना, वो बेसिकली शुक्र है कि जब इसी शहर में तकरीबन 30-25 साल पहले इसी शहर में मेरी तनख्वाह 500 रुपया थी, 500 रुपीज, मैं 50 साल पहले की बात नहीं कर रहा, सिर्फ 25 साल पहले, यानी 1993-1994 500 रुपए पे भी मैं इसी शहर में रहता था, और मुझे यकीन है कभी मैंने ये ना कहा हो शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और उस वक़्त भी मैं सोशलाइज करता था, यानी मुझे मेहमानों का शौक़ होता था कि मेरे पास कोई दोस्त अहबाब आए हम मिलके खाना खाएं, ठीक है, इसी शहर में, और हम आउटसाइडर हैं, ज़ारा आपने बताया कि वकाड़ा से आए हुए हम ज़ारा लाहौरी नहीं है, तो अगर उस वक़्त 25 साल पहले 500 में गुजारा होता था तो आज अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, और हमारी जगह पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है। मैं समझता हूँ कि शुक्र ना छोड़ें,
दूसरा खैर बांटना ना छोड़ें। आप जिस लम्हे जहाँ पे हैं, आपके हाथ से अगर कुछ अच्छा हो सकता है प्लीज़ डू इट। बस खैर बांटते जाएं और भूलते जाएं, याद मत रखें कि आपने बांटी है, और आगे आप बढ़ते जाएंगे। ये मुश्किल वक़्त गुजर जाएगा, ये भी गुजर जाएगा। फिनांसिस, जो फिनंशियल इश्यूज़ हैं वो आपके रिजॉल्व होते जाएंगे, और जो आपकी किस्मत मुकद्दर में अल्लाह ने लिखा है आपकी मेहनत के साथ, सारा शर्त है कि आप अपने अपने हिस्से का दिया जलाएंगे, आप अपने हिस्से का काम करेंगे, अल्लाह उसमें आपको आप पे बरकत डालेगा। और मेरा बड़ा इस पे सख्त बिलीव है, क्योंकि मैंने जब इस शहर में 500 लिया है और उससे मैंने सर्वाइव किया है। अच्छा, ये जब आप 500 रुपया कमा रहे थे, पता है उस वक्त मैडम नूर जहां का एक गाना भी आया था, और वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफ सुल्तान राही ऊपर आखिरी गाना फिल्माया गया था। अच्छा, और वो गाना मेरा फेवरेट है, और मैं आपको डेडिकेट करता हूँ इस जुमले पे। आज रज रज करिए प्यार के दम आवे ना आवे, तो बेहतर है कि आज रज के एक दूसरे के साथ मोहब्बत बांटे। सही बात, जो आपने कहा सानिया बांटे, इश्फाक साहब के सानिया बांटे, अपने जो वालदैन अगर आपके हैं तो ब्लेस्ड, सबसे बड़ी ब्लेसिंग है ऐसे मोमेंट पे जब आप घरों पे हैं, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको टाइम दें, उनके पास बैठें, उनको सुनें, उनको सुनाएं नहीं उनको सुनें, और अपने बच्चों को टाइम दें। और अगर आप घर पे हैं, और मुझे तो बड़ा मौका मिला इस दौरान के पहले किताबें पढ़ते थे, फिर दरमियान में एक बिजी टाइम आ गया। अब मैंने वाला सवाल है कि एक किताब आपने बतानी, कोई पढ़ी, कोई रिवाइव की, कोई आर्टिकल, कोई बुक, उर्दू अंग्रेजी, कोई जो आपको, या फिल्म को देखी हो इस पेंडेमिक में, लोगों ने तो पूरे पूरे सीजन देख छोड़े नेटफ्लिक्स के ऊपर। सही बात, सबसे ज़्यादा पैसे नेटफ्लिक्स ने कमाए जी। मैंने बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस देखी, एक तो जो बिग बैंग से लेके जो कहते हैं कि करोड़ों साल पहले की दुनिया, और फिर आदम से लेके, और मैंने रीसेंट टाइम्स तक पढ़ा। तो नहीं देखा ना? नहीं, तुगरल नहीं देखा मैं, लेकिन मेरी बीवी वो 24 आवर देखती है, वो तुगरल देखती है, और वो बिल्कुल आधी टर्किश हो चुकी। कोई बात नहीं, टर्की चली जाए, अलग होके आई काफ़ी दफ़ा, तो उसको बहुत शौक है, वो देखती शौक से। मैंने क्योंकि तुगरल को थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, और मुझे वो जो है ऑटोमन एम्पायर है उस पर पढ़ा हुआ है, तो मुझे ऑलरेडी उसकी थी, तो मैंने कहा वो 500 किस्तें मैं नहीं देख सकता। वो आयफा क्या नाम है उसका, जो उसको मस्जिद में आया सोफिया 23 तारीख को, वो 25 को उसकी वो इनॉग्रेशन है। हाँ, आया सोफिया की बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है कि 250 AD में वो बनाई, और वो रोमन्स ने उसको कंस्ट्रक्ट किया, ग्रीक्स आए तो उन्होंने उसको, वो कहते हैं मेकाला चर्च के नाम से उनको रखा हुआ उसका, उन्होंने 500 में फिर दोबारा उसको रिकंस्ट्रक्ट किया ज़रा बड़ा करके, और बहुत खूबसूरत। उसके बाद फिर वो जब ऑटोमैन आए तो फिर उसको मॉस्क में इन्होंने कन्वर्ट किया, जब अतातुर्क आया तो इसने वापस उसको म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया, अब जो अर्दगान साहब हैं वो उसको वापस मॉस्क में उसको। और सर क्या कोई किताब भी पढ़ी? किताबें बहुत सारी पढ़ी, और नाम ना पूछिएगा, मुझे नाम नहीं याद आ। काफ़ी सारी मैंने पढ़ी किताबें, काफ़ी सारी किताबें, क्योंकि टाइम पड़ा था, काफ़ी सारी किताबें मुख्तलिफ मौजूदात से पढ़ी, म्यूज़िक भी सुना, और यूट्यूब चैनल्स पे बहुत सारी जो लर्निंग वाली वीडियोस हैं वो बहुत सारी देखी। और मौसीकी में कौन पसंद है, कोई अच्छा सा कोई एक लाइन सुनाए ना, इसी पेंडेमिक में तो हम तो ढूंढते हैं। अगर आप रैंडम के सुना दें ना मुझे कुछ, ना मुझसे कुछ शेर पूछे, ना मुझसे कोई लिरिक्स पूछे, मैंने तो आपको सुना दी कि दम भरोसा यार के दम। आप तो माशाल्लाह गुरु हैं हमारे इसमें। म्यूजिक के ऊपर कोई बताएं, आपने किताब पढ़ी, क्वारंटाइन कैसे किया आपने अपना, वही जो 20 दिन आपने गुजारे, क्या उसमें से लर्न किया सीखा? क्वारंटाइन में जैसे मैंने बताया कि एक तो जो फैमिली अपॉर्चुनिटीज थी वो ऑब्वियसली पता चला कि ये भी एक पॉजिटिव साइड है, कभी रखा जा सकता है। नहीं, अब तो लोग इस पॉइंट पे वापस आ रहे हो, जो पोइम नहीं थी, सॉरी, पॉजिटिव अपना कदी थे पैके जानी पे। सही बात, डिपेंड है ना, वो आजकल लोगों ने स्टार्ट कर दी है। मैं वही कह रहा हूं कि वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। नहीं सर, एक ही कहानी कर कर की। लेकिन इसमें क्योंकि आप टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आ गई है, तो जैसे आप देखे कि कितनी सीरीज है नेटफ्लिक्स पे, मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई सीरीज छोड़ी है इसमें। ओके, उसको ज्यादा देखा, फिर ऑब्वियसली जो बिजनेस स्ट्रेटजीज आपकी चल, उसको रिवाइज किया, उसको रिवाइज किया। जैसे मैंने कहा कि हमने क्योंकि बिजनेस को किसी ना किसी लेवल पे स्टेबल रखा, उसको ऑन रखा, फिर लोगों की
जो एंगेजमेंट थी उसके साथ, तो वो भी साथ साथ चलता रहा, तो अल्हम्दुलिल्लाह नो डाउट ये क्राइसिस तो थे ओवरऑल, लेकिन चीज़ें बेहतर हैं, बेहतर है। सर आखिर में मैं आपसे, क्योंकि पॉजिटिव ऑफ टाइम है, अदरवाइज दिल नहीं कर रहा कि क्लोज किया जाए, एक आपसे फिर क्लोजिंग सर से कोई अच्छी सी कोई आपकी दिल की बात, कोई कोटेशन, कोई शेर, कोई गाना, कोई मैसेज फॉर यंग लोगों के लिए, खासकर जो बेचारे जिनकी जॉब छूट गई, कोई मैसेज ऑफ होप, उम्मीद का पैगाम जो आप देना चाहें निसार चौधरी साहब। जी मैं बेसिकली फ्रेंकली स्पीकिंग, जैसे मैं शुरू में भी बात की कि मैं तो क्राइसिस हूँ या जो भी सिचुएशन हो, अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखता हूँ। माशाल्लाह शफीक साहब ने जो शुक्र की बात की है और फिर उसके साथ कंट्रीब्यूशन की बात की है, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। खैर बांटे आप, खैर बांटे, और इंसान ने अगर अपने आप को सेटिस्फाई करना है तो वो अपने आप को दो चीज़ों से गेज करे। अगर पर्सनली सेटिस्फाई करना है तो अपने से नीचे वाले को देखें। वेरी गुड। फाइनेंशियली कि जब आप ये देखेंगे कि मैं सपोज 50,000 कमा रहा हूँ और ये 20,000 कमा रहा है, तो अल्लाह ने मुझे इससे ज़्यादा ब्लेस किया, तो यू विल बी फील कि आप बेहतर हैं। और अगर प्रोफेशनली आपने ग्रोथ करना है तो फिर अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करें, फिर आप अपने ऊपर वाले को देखें कि एक सुपरवाइजर लेवल का बंदा है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में 10 लोग हैं, और एक मैनेजरियल लेवल का बंदा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में 50 लोग हैं, तो उस सुपरवाइजर को, और इसी तरह अगर कोई इससे नीचे लेवल पे है और वो अपने सेल्फ इंडिविजुअल का ही रिस्पॉन्सिबल है, तो अगर वो ये देखे कि अल्लाह ताला ने टाइम एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन है जो हर इंसान को इक्वल दी, यानी हम तीनों के पास भी 24 आवर्स है और इनके पास भी 24 आवर्स है, हम में से कोई बंदा ये क्लेम नहीं कर सकता कि मेरे पास एक मिनट ज्यादा। अगेन क्लेम करता था अगेन 25 घंटे, वो नींद वाले होंगे ना, उसमें डबल हो जाते हैं ना, जेल में सजा होती है 14 साल से 7 साल कैलकुलेट होता है। बट कहने का ये पर्पज है कि इंसान जो फ्रस्ट्रेशन कहाँ आती है कि जब आप कोशिश करने के बावजूद भी चीज़ों को अचीव नहीं कर पाते, और अचीव क्यों नहीं कर पाते कि आप अपनी परफॉर्मेंस को रिव्यू नहीं करते, आप अपने टाइम की डिस्ट्रीब्यूशन को एनालाइज नहीं कर सकते, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी जो है वो नहीं करते। तो मैं ये पर्सनली समझता हूँ कि अगर आप जो भी काम कर रहे हैं इररेलीवेंट, जैसे शफीक साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि हम कितनी बदनसीब नेशन है कि हम लोगों की रिस्पेक्ट भी उनके काम की वजह से करते हैं और इसीलिए हम ग्रो नहीं करते। आप देखें कि एक कोबलर मोची मेन मार्केट में बैठा है और उसकी प्रेफरेंस क्या थी, शॉर्ट टर्म के मैंने 10-15 रुपए का लोगों को बेवकूफ़ बनाना है, वो काम में को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा होगा ना, तो वो आज भी वहाँ बैठा है, शायद 1,000 रुपये रोज़ का कमा रहा है, और एक वो होगा जिसने फैक्ट्री बना ली और आज पूरी दुनिया में अपनी ब्रांड ली। तो अपने गोल्स और सोच को बढ़ा रखें और फिर उसके लिए कंसिस्टेंट विद योर ऑन अकाउंटेबिलिटी ऑफ योर परफॉर्मेंस, क्योंकि इंसान खुद से ज़्यादा उसे कोई नहीं जानता। मेरे अंदर क्या वीकनेस है, मेरे से बेहतर कोई बंदा एनालाइज नहीं कर सकता, लेकिन मुझे पहले वो एक्सेप्ट करनी है और फिर उस वीकनेस को अल्टरनेट लेना है या उसके एरिए को अपने आप को स्ट्रांग करना है। तो यंग जनरेशन की यही है कि बड़े गोल के साथ आए बट इस माइंडसेट के साथ कि हमने कंट्रीब्यूशन करनी है, हमने परफॉर्म करना है, तो ग्रोथ इज देयर, अचीवमेंट इज देयर। फोकस सर, क्लोजिंग मार्क्स, कोई आपकी खूबसूरत बात इस पे आप रैप अप करें। बिल्कुल, उसमें चॉइस साहब ने ज्यादा बातें कर दी। मैं ये समझता हूँ यंग लोगों के लिए जो आगे जनरेशन टू कम, के क्लैरिटी ऑफ माइंड जो है ना वो आपके पास होनी चाहिए। क्लैरिटी, आपको गोल जो है ना आपका, वो आपको बनाना पड़ेगा। वो आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं जो जब वो डॉक्टर बन जाते हैं या इंजीनियर बन जाते हैं, जो कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी कैटेगरी है, और जब आप उनके पास बैठते हैं तो वो कहते हैं कि मैंने पता नहीं ये क्यों किया है, ये तो मेरा शौक नहीं है, जो मैंने मेडिसिन पढ़ लिया, मैंने इंजीनियरिंग पढ़ ली है। क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं है, जो डायरेक्शन है आपकी उसको सीधा रखें, और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है कि बी ऑनेस्ट टू योर वर्क, जो आपका काम है ना उसके साथ आप, आपकी कनेक्टिविटी जो है ना वो सही होनी चाहिए। अगर आप उसके साथ ईमानदार नहीं है, देर इज़ नो डायरेक्शन, फॉरगेट इट। फिर दुनिया में वो धोखे या धक्के हैं कि आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड चाहिए और आपका जो भी आपका एम है, जो आपने एम अपना बनाया है, उसके साथ आपको ऑनेस्ट होना है। अगर आप उसको ईमानदारी से लेके चलते हैं, यकीन करें डायरेक्शन, अगर हमारे जैसे लोगों को जो थर्ड ग्रेड स्टूडेंट्स थे अपने अपने स्कूलों में, टू बी ऑनेस्ट माई सेल्फ, मुझे बाकियों का नहीं पता, बड़ी बात, और मैं पाकिस्तान में थर्ड ग्रेडर था यूनिवर्सिटी तक, यानी थर्ड डिवीजन, और जैसे मैं फॉरेन इंस्टीट्यूशन में गया हूँ, मैं सेकंड सेमेस्टर में स्कॉलरशिप पे कन्वर्ट हो गया, मुझे नहीं पता क्या हुआ।
एक क्या क्या ऐसा सीन हुआ, मैं सेम बंदा हूँ, यहाँ पे तो साथ कुछ मदद भी मिल जाती थी, वहाँ पे आपका कोर्स चेंज हो गया, लेकिन एक क्लैरिटी आ गई, पता चल गया यार नहीं देर इज़ ए आई हैव टू डू समथिंग, और मैं स्कॉलरशिप पे बाकी की मैंने अपनी स्टडीज़ मुकम्मल की हैं। तो ये, और अपने इर्द गिर्द के लोगों से मोहब्बत कीजिए, अपने वालदैन से, अपने बच्चों से, अपने मुआशरे से, और सबसे बढ़ के इस मुल्क से। अगर ये जो यंग जनरेशन है, क्योंकि ये हमारा फेस है पाकिस्तान का आने वाले दिनों में, दुनिया में, आप लंदन में पढ़ रही हैं, आप अमेरिका में पढ़ रहे होंगे, कोई कहीं पढ़ रहा होगा, कोई कहीं पे रह रहा होगा, अपने अपने जो ये मुल्क है ना, इसको कोई फेस दीजिए। 70 साल में हम बहुत पीछे रह गए हैं। जो मेरे जैसे लोगों को, जो अलमिया है, मैं बात मेरी लंबी हो गई, मेरे साथ सारी तकरीबन मैंने ए मेरी क्लास में 23 नेशनैलिटीज़ थी, जिस क्लास में मैं हॉस्पिटलिटी के पढ़ता था, और साइप्रस में, और उसमें, और यूके में भी, और सबसे उसमें जो उस वक्त पोर कंट्रीज थे ना मेरे साथ बैठने वाले, वो बांग्लादेश और श्रीलंकन थे। इंडियन फिर भी हमारे कंपैरिजन में इंडिया उस वक्त था, और बांग्लादेश बहुत पोर हालत में था उस वक्त, आई एम टॉकिंग अबाउट 94, 95, 96। टका जो है 1 रुपए के, हमारे के दो ढाई टके मिलते थे, अब 1 टके के 2 रुपए मिलते हैं, और हम टके टोकरी हो गए, जो हमारी इकोनॉमी, हमारी जो, तो हमें अब यूथ से आगे उम्मीद है कि नई सोच वाले लोग, हमारी जो अगली यंगर जनरेशन आएगी, शायद वो क्लैरिटी ऑफ माइंड लाएगी, शायद वो ये सिखाएगी इस मुल्क में कि जिसका जो काम है सबसे बड़ा इस मुल्क का अलमिया, जो मेरे नज़दीक जिसका जो काम है वो नहीं करता, वो दूसरे का काम करना चाहता है, तो प्लीज़ हम कोशिश करें, हम अपना काम करें, ताकि हम उसी में एक्सेल करें और ये मुल्क आगे बढ़ सके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच शफीक साहब, आई एम रियली ग्रेटफुल आप लोगों ने वक्त दिया स्पेशली, और मेरी दुआ है एक आधे महीने के बाद इंशाल्लाह ताला ये सेशन हम कोतम में, इंशाल्लाह हम इंग्लिश या उसमें आके करेंगे एक सेशन, किसी का एक सीक्वल होगा, बिल्कुल। और मैं इसको इस उम्मीद के साथ क्लोज कर रहा हूँ, एक जुमला सर आपकी नज़र करता हूँ, इन्होंने कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, जो हमने जो एक लेके चलनी है अपने बच्चों के लिए, उनको अपने एक मैसेज देना है कि भाई हमने आगे बढ़ना है और पॉजिटिव रहना है, और पॉजिटिव को अंदर जगह देनी है, तो अगर आप पॉजिटिव को जगह नहीं देंगे, अगर पॉजिटिव को जगह देंगे तो मेंटली स्ट्रांग होंगे, अगर नहीं देंगे, नेगेटिविटी को देंगे तो स्ट्रांगली मेंटल होंगे। ऑप्शन कोरोना में भी इम्यून सिस्टम बढ़ेगा ना पॉजिटिव होने से, ऑप्शन यही है कि पॉजिटिव मीन मेंटली स्ट्रांग, और नेगेटिव मीन स्ट्रांगली मेंटल। ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा चॉइस अडॉप्ट करनी है, चॉइस इज योर्स। और सर जी, आपने ये भी बोला कि हमारे कोर भी अलमी है कि हम मेहनत करते हैं हासिल में, तो वासफ साहब कहते थे, आज का बहुत क्लोजिंग जुमला है, कि हासिल और ख्वाहिश के दरमियानी फासले का नाम स्ट्रेस है, हासिल और ख्वाहिश। और आज का इसके बाद मेरा दिल करता है कि बात की जाए, वासफ साहब का आखिरी जुमला आज के सेशन, उनको बल्कि हम डेडिकेट करते हैं, कहते हैं कि अल्लाह की मर्जी, जो आपने सर बोला बच्चों के लिए क्लैरिटी ऑफ माइंड, अल्लाह की मर्जी और बंदे की मर्जी के दरमियानी फासले का नाम गम है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है। अल्लाह की मर्जी और बंदे की मर्जी अगर एक हो जाए, जो अल्लाह चाहता है, जो एक मेरी चाहत है और एक तेरी चाहत है, अगर तुमने वो कुर्बान कर दिया जो मेरी चाहत है, तो मैं तुम्हें वो दे दूंगा जो तेरी चाहत है। तो ज़िंदगी में हम, कोविड ने ये सबसे बड़ा लेसन सिखाया, हम अपने जिसने खुदा ने तख्लीक किया है, हम उसके कितने करीब होते हैं, और यही जो खैर बांटना ये उसी के लिए है, क्योंकि अल्टीमेटली जो डे ऑफ जजमेंट है वो बताएगा कि कौन क्या कितने पाने को था, किसने क्या किया, क्योंकि नीयतों का हाल और दिलों का हाल वो खुदा जानता है। इस लिफाज के साथ इजाज़त सर को इजाज़त दें, और ये जो सेशन है सीओ क्लब पाकिस्तान, सीओ टुडे मैगजीन या सीओ टुडे टीवी पे आप अपने गूगल में आप एंटर करके देख सकते हैं और अपना फीडबैक देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।